व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सब बॉय भट्टी एक्सपर्ट। कल मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया और उसके बाद मैंने थोड़ी चेंजिंग लाई ज़िंदगी में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आने लगे हैं, बहुत फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और अभी मैं आज से नहीं, कल से रिप्लाई करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे पेंडिंग वाले मैसेजेस थे वो मैंने कम्प्लीटली डिलीट कर दिए हैं। शायद नहीं भी हुए, क्योंकि अभी 9++ इंस्टाग्राम पे आ रहा है। उसका मतलब ये है कि कोई इंस्टाग्राम का इशू है, तो जैसे वो सही हो जाता है फिर मैं आप लोगों को मैसेजेस के जवाब देने स्टार्ट कर दूंगा। मैं उठा था आज तकरीबन 3 बजे, और उसके बाद ऐसे ही ऐसे यार जिंदगी थोड़ी अजीब सी हो गई है। कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा, मुझे खुद को पता है कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा तो व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आते तो डिप्रेशन हो जाती है, और डिप्रेशन हो जाती है तो फिर ना कंबल में बैठ के सोचता रहता है कि क्या करना है और समथिंग। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं इस हिस्से को बहुत एक अच्छे और पॉजिटिव वे में लेता हूँ। और अगर ये हिस्सा अगर ज़िंदगी में ना हो तो मज़ा नहीं आता और इम्प्रूवमेंट नहीं आती। बस कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यही मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और पता नहीं आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया, तो प्लीज़ दबा दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। पर इतना भी मुझे फील हो रहा है मेरा खुद का भी कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को लगता है मैं अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ तो कुछ लाइक वाइक कर दीजिए और शेयरिंग वेयरिंग करवाएं, और थोड़ा भाई का मूड वूड सेट करवाएं। बाकी होता रहता है ज़िंदगी का। मुझे अब रिसेंटली एक कॉल आई अभी, और आप लोग को पता है दोस्तों यारों को कौन मना कर सकता है। एक मेरा प्यारा सा जी भाइयों की तरह नीचे नेबर है, उसने मुझे बोला कि फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना है, और हर बंदों को अपने हिसाब से चलाना होता है। तो मैं जा रहा हूँ उधर, मेहमान आए उनसे मिलना है, मैं वापसी आता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा, हेलमेट पहन के ही जाता हूँ। ऑल राइट एवरीबॉडी, यह है मेरा हेलमेट, और मैं हेलमेट में ऐसे अंदर से दिखता हूँ तो ये कवर हो जाता है। ऐसे लग रहा है मैं, एक फिल्म है यार उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एपिसोड्स चलते हैं अब मुझे ये याद नहीं आ रहा, उस तरह दिख रहा हूँ मैं। बाकी बाइक वाइक होके चल रही है, इसको साफ नहीं कर रहा, ना ही मैंने इसको कवर चढ़ाया, फिर इसके स्क्रेचेस आ जाएंगे, फिर मुश्किल में आ जाऊँगा मैं। आज मोटो व्लॉग नहीं हो रहा होगा क्योंकि रात हो गई है, और रात में मोटो व्लॉग पे इतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे मैंने नोट। आप लोगों को अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही, शायद आप लोग देख ही नहीं रहे, व्यूज़ भी नहीं आ रहे मुझे लग रहा है। गाइस मैं आ चुका हूँ साईं के पास, साईं मेथले साहब के। हाँ साईं, क्या सीन है इधर? वाई सलाम सर, सीन ये हमारे दोस्त आए लाड़काना से। जी जी जी, भट्टी साहब के व्लॉग देख के इंस्पायर हो गए हैं। उन्होंने बोला के सराई अदनान और जतोई साहब ने बोला के हमें उनसे मीटिंग कराओ, व्लॉग बनाओ, उनकी ओताक जतोई साहब के ओताक में आए हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं। ये जतोई साहब के ओताक है, वेरी नाइस। ये हमारे दोस्त हैं लाड़काना के। सही, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह, क्या हाल है? ठीक ठाक सही, क्या हाल है? खैरियत से? अदनान साहब ठीक है? सही, अदनान साहब ये है ना, ये सराई अदनान खोकर साहब, ये हमारे व्लॉग्स देखते हैं। बिल्कुल बेशक सही, थैंक यू सो मच। सही बिल्कुल, आपके बहुत दिल से देखते हैं व्लॉग, हमें बहुत मजा आता है। थैंक यू आपके व्लॉग देखते हैं, और मेथला साहब आपके करीब है बहुत। आपने मुझे कैसे देखा? नहीं यार, मेथले साहब को देखा मैंने, इसको बोला कि भाई मेथला साहब भट्टी साहब को बुलाएं इधर। हाँ नहीं, आपने तो सरप्राइज दे दिया। नहीं थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे अच्छा लगा। और साई का रूम बहुत अच्छा बना हुआ है, जतोई साहब का बहुत ही खूबसूरत, जतोई साहब वेरी नाइस। बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ पे आए, फर्स्ट क्लास मिले घट तो पकड़े आए वक्त ही तका था हलणो दा संगत याद कयो तो भट्टी साहब घुरायो मैं घुरायो दा बिल्कुल लाड़काने का दोस्त आया ने मुलाकात कयूं था आसे बिल्कुल असान अचो कने लाड़काने इंशाल्लाह खुश थी विया दाडो दिल खुश थी उन दी ता टाइम दिनो अच्छो लाड़काने इंशाल्लाह खिदमत कंदा से जेको असान जो हाल हुंदो मची पली ता करे ना लाड़काने आए होते वो ही ना आए होते वो मक्कण माचू कराईदा से असल में ते भी साग मचू खाईदा पूछता है लाड़काने।
ॾाढो मज़ो आयो इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी अलाह साईं ख़ैर कंदो ठीकु आहे न साईं अलाह हाफ़िज़ बड़ी साहब असां लरगदा आहियूं वरी नाइस टू मीट यू हैदराबाद वरी बीहर थैंक यू महिरबानी अचण लाइ अलाह हाफ़िज़ वरी मिलंदासीं All right guys, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मैं पकोड़ा स्टॉप की चौक पे और टाइम हुआ है 9:07 यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ये लगा दिया इन्होंने क्या कहते पता नहीं बाउंड्री लगा लिया पुलिस ने तो ये वाली पट्टी पूरी खाली है यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली रश है एज यू गाइस कैन सी और पुलिस है अपने रूट पे सब कुछ मार्केट खुली हुई है तो इन बेचारों का क्या होगा जो इनकी रोजी बंद है मुझे समझ में ये नहीं आ रहा खुला हुआ इस लाइन पे क्या हाल है जानी ठीक ठाक हो तो खबर आज दुकान क्यों जल्दी बंद करवाया लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन नहीं है नहीं, वो खुला हुआ है सब कुछ खुला हुआ है तो आपकी रोजी का क्या होगा हमारी रोजी बंद हो गई अरे कह रहे लाले मेरी रिक्वेस्ट है एसपी साहब के अगर ये कासमाबाद में जो भी ये हो रहा है आप लोगों के सामने और इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवाया जाए नहीं तो इधर की सारी पूरी जो भी है इनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा वायरस है तो इनको एसओपी या फिर पूरा बंद करवा दीजिए मैं सब लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ बंद कर दिया पूरी पट्टी बंद भाई ये फ्लैश लगा सोना लगू मैं आगे मैं टोबू हो गया हूँ यार मैं गया हूँ यहाँ पे पुलिस ने कब्जा कर लिया है ये तारे वारे खुलाओ क्या वीरानी लगी पड़ी है यहाँ मेरे पास एक चीज समझ में नहीं आई मुझे हमने ब्लॉग बना क्या है लाड़काना से 4 दिन पूरे तो एडिट करोगे या फिर तुम हो तो क्या गम है मैं एडिट नहीं करने वाला भाई मैं एडिट नहीं करने वाला ऊपर चलें तुझे चाय पिलाएं मेहरबानी थैंक यू बहुत शुक्रिया मैं आ चुका हूँ घर और मतलब थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा रिफ्रेशमेंट हो गई अभी मैंने डिनर भी कर लिया वैसे दोस्तों के पास नहीं जा रहा इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि अगर दोस्तों के पास गया तो फिर मेरा वक्त गुजर जाएगा ऐसे ही हंसी मजाक में और फिर आप लोग को पता है वक्त ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बस कुछ दिन दोस्तों को मिस करूँगा उसके बाद सेट हो जाऊँगा वैसे दोस्त मेरे पास इधर आते हैं पर खैर पन उधर ज़्यादा नहीं जाते अभी थोड़ा समझ सकते हो अपना काम रुक रहा है इसलिए नहीं जा रहा हूँ उधर एक्सपर्ट बंद क्यों होता है यार इसको हमेशा इसको खोल के रखना चाहिए इस वजह से बंद हो जाता है ओके हो गया भाई ओके ऑल राइट गाइज मैंने आज कपड़े चेंज नहीं किए और आपको पता है फ्लैट में पानी का इशू चल रहा है मैंने मेरे जो चीज होंठ है ये हो गए वो मैंने खाए थे बुगड़े सिंधी में जिसको बोलते हैं बुगड़े चने वो खाए थे इस वजह से बाकी और बहुत लोगों ने अभी मुझे अपने नंबर पर कॉल्स आ रही हैं और वो भी नंबर इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा जो प्रोफेशनल तरीका है उस तरीके से चलेंगे नहीं तो आप लोगों को पता है इतने मैसेजेस कमेंट वगैरह आते थे बंदा डिप्रेस हो जाता था क्योंकि यार एक बात बताऊँ मैंने वो जो किया है उसका मेन रीज़न ये नहीं है कि आप लोगों को मतलब मैं कुछ अपने आप को समझ रहा हूँ नहीं मैं बताता हूँ क्या जिंदा हर बंदा बात करता था जिसमें अब देखो कोई गुस्से में है कोई प्यार से है कोई फैन है कोई कैसे हर टाइप का बंदा कॉन्टेक्ट करता था अब मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ा मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ रिलैक्स रहूँ और मतलब ज़्यादा किसके मतलब मामलों में ना हूँ तो अच्छा है थोड़ा सा इधर दर्द हो रहा है आजकल पता नहीं क्यों गैस की वजह से बाकी सब सेट है इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा गैस की वजह से और रूटीन चेंज किया ना थोड़ा उसका भी असर हो रहा है मेरे पे बाकी एक और बात यार मैंने कल मैसेजेस चेक किए तो जिसमें कुछ लोग खाली अपने मतलब के लिए मैसेज कर रहे थे और उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है ये मैं पीछे खाली अब ठीक आ रहा हूँ हाँ नहीं मैंने वो बंद कर दी हाँ अब ठीक आ रहा हूँ मैं तो जो लोगों ने मुझे मैसेज किए थे वो लोग मतलब क्या बोल रहे थे कैन यू सपोर्ट मी आप मुझे शॉर्ट आउट दो और मतलब हमें सपोर्ट करो ये करो वो करो कोई अपने अपने मतलब से बात करता है आजकल दुनिया मतलब ही हो गई है भाई
मैंने तो कभी किससे हेल्प नहीं ली, मैंने तो कभी किसको ऐसे नहीं बोला कि मुझे शॉर्ट आउट दो। तो आप क्यों मुझे बोलते हो कि यार भट्टी भाई हमें हेल्प करो, सपोर्ट करो। हेल्प करना कोई गुनाह नहीं है, ना ही कोई मतलब समझ सकते हो। बाकी ये है, आप अपनी हिम्मत हार देते हो क्या? आप अपना तो ट्राई करो। जिन्होंने नया चैनल बनाया है, 10 दिन नहीं होते बोलते भट्टी भाई सपोर्ट करो। मुझे भाई 6-7 साल हो गए खाली इस व्लॉगिंग में, उसके बाद मैं यूट्यूब से और भी पुराना हूँ। तो प्लीज़ अपने हिसाब से कीजिएगा। और इस दौर में कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी नहीं हेल्प करता, कोई भी नहीं हेल्प करता। तो ट्राई करें कि बोलते हैं ना, अपने घोड़ते नशा होवे। इस फोटो में ना बहुत मैं इनोसेंट लगता हूँ। ये फोटो बहुत अच्छी है, प्यारी है, खूबसूरत है। बाकी हमारी ट्रॉफी फुटबॉल की है, बाकी इसको इग्नोर करते हुए देखें तो कितनी खूबसूरत है ये भी। तो बस आज मोबाइल बेचारा चुप चुप है और खामोश है बहुत ज़्यादा। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरा मोबाइल खामोश है। कुछ कंटेंट मिल रहा है, कुछ सोचें मिल रही हैं, टाइम मिल रहा है अपने लिए और कैसा अपग्रेड करना है, क्या चीज़ें हैं ये वो। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग, छोटा है जैसा भी है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर, डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।